गृह मंत्री अमित शाह इंदौर के रेवती रेंज में 14 जुलाई को पौधा लगाएंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया है। गृह मंत्री 51 लाख पौधारोपण अभियान में शामिल होने के अलावा पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार के नया जेट विमान खरीदने के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की कर्ज माफी, MSP, धान पर बोनस, भावांतर योजना, छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, लाडली बहनों को मकान, आदिवासियों से किए वादे, नए इंस्टीट्यूट के निर्माण, नए एक्सप्रेस वे, किसानों को पेंशन का वादा, नए रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर कोई बजट नहीं दे रही है, लेकिन विमान खरीदने के लिए उसके पास बजट है। गढ़ा कोटा के पीपल घाट स्थित श्री गणेश संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बटुक ब्राह्मणों का दीक्षा समारोह जगदीश शाला मंदिर पटेरिया में आयोजित किया गया, जिसमें बटुक ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार, धर्म की दीक्षा देकर उन्हें कर्मकांडी बनाया गया। आयोजन में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान भार्गव ने अपने नाती आशुतोष का भी उपनयन संस्कार कराया। मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में एक कलयुगी पिता का बेरहम चेहरा सामने आया है। निर्दयी पिता ने अपने ही मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटा। पिता ने अपने दो मासूम बच्चों को पहले उल्टा लटका दिया और फिर बेरहमी से पिटाई की। पिता ने घटना का मारपीट करते हुए वीडियो भी बनाया और उसे अपनी पत्नी को भेजा। पुलिस द्वारा बच्चों को रेस्क्यू किया गया और पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में चलने वाली सिटी बस में एक बार फिर कथित होंडागर्दी का मामला सामने आया है। इस मामले में दो युवकों ने मामूली बात पर सिटी बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की। यह घटना बस में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक युवक सिटी बस में आरक्षित महिला सीट पर बैठा हुआ था। बस ड्राइवर ने युवक को महिला सीट से उठने के लिए कह दिया। इस बात से नाराज होकर दोनों युवकों ने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल की तरफ से किया गया था। उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के साथ ही संपूर्ण प्रदेश की पुलिस इकाइयों में एक साथ 1,25,000 पौधे रोपे गए। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी एक बार फिर से कर सकती है। प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में कलेक्टर्स के तबादले किए जा सकते हैं। जल्द ही इन अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए जा सकते हैं। नेताओं से अधिकारियों के व्यवहार को लेकर भी जानकारी सामने आई है। कुछ जिला कलेक्टर्स को चिन्हित किया गया है, जिनके तबादले को लेकर कयास भी जारी है। जबलपुर शहर के निजी स्कूलों की मनमानी जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को यह मैसेज भेजे जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी फीस जमा करें, अन्यथा उनके बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। शासन के द्वारा नियत की गई फीस ही लेने का स्कूल प्रबंधन से निवेदन किया है। अभिभावकों के हंगामे को देखते हुए स्कूल के फादर ने उनका आवेदन तो स्वीकार कर लिया, पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने साफ कहा, हम अपनी फीस को अवैध फीस वसूले नहीं मानते और इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों की बैठक ली। मध्य प्रदेश शासन ने 35 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारियों के लिए चतुर्थ वेतनमान की घोषणा की थी। राज्य सरकार का यह आदेश अब तीनों बिजली कंपनियों में लागू किया जाएगा। प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर से आचार्य समय सागर महाराज 21 मुनि संघ के साथ विहार पर निकले। विहार के दौरान हटा ब्लॉक में जैन मुनि तेज बारिश के बीच तप साधना में लीन नजर आए। तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बीच काफी देर तक जैन मुनि साधना करते रहे। इन दिनों आचार्य समय सागर महाराज जी कुंडलपुर से खजुराहो की ओर मंगल विहार पर हैं।